हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेल, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आप सब के साथ रिसेंटली रिलीज दो मूवीज के बारे में। पहली मूवी गदर 2 और दूसरी मूवी ओएमजी 2। वैसे इन दोनों मूवीज के फर्स्ट पार्ट को ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था जब ये रिलीज हुई थी काफ़ी सालों पहले, लेकिन इतने सालों बाद भी इन दोनों मूवीज़ का क्रेज़ अभी तक कायम है। गदर के पार्ट 1 को आए हुए तो काफ़ी ज़्यादा साल हो गए, हम सब बच्चे थे उस टाइम पे। इनफैक्ट फर्स्ट पार्ट मुझे अभी अच्छे से याद भी नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत याद है, उसका थीम याद है, कैरेक्टर्स याद है, गाने तो सुपर हिट थे ही तो गाने मुझे बहुत अच्छे से याद है, लेकिन ओवरऑल वो स्टोरी क्या था, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे वो नहीं याद है। बस इतना याद है कि वो अपनी वाइफ को लाने के लिए पाकिस्तान से किस तरह से फाइट करता है एंड उसका बेटा जो रहता है वो अपनी माँ से बिछड़ जाता है। सो बेसिक उसका प्लॉट मुझे याद था और मैंने दोबारा देखा भी नहीं और मैं गई गदर 2 देखने के लिए। तो गदर 2 मूवी के साथ थोड़ा मेरा डाइसी सिचुएशन था बिकॉज जैसे कि मैंने उसका ट्रेलर देखा था, ट्रेलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था बिकॉज इट वॉज फुल ऑफ हाई एनर्जी एंड हाई ऑक्टेन ड्रामा लग रहा था। बट यार ट्रेलर से मुझे ऐसा लग रहा था शायद मूवी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट्स एंड टर्न्स होंगे और इस बार स्टोरी को वो और ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश करेंगे बिकॉज इतने सालों बाद ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी भी और ज़्यादा एडवांस हो गई है और आज के ज़माने में अगर आप आज की ऑडियंस को केटर कर रहे हो तो उस हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली थोड़ी हाई रहती है। तो उस हिसाब से उस माइंडसेट के साथ मैं मूवी देखने गई थी एंड After I started watching the movie, I suddenly realized that no, ट्रेलर में जिस तरह से आपको दिखाया जाता है मूवी में वो चीज़ें ऑब्वियसली है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके जाओगे देन ऑब्वियसली आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी, जैसे मेरे साथ हुआ। जैसा कि मुझे पता था कि ये एक मसाला मूवी होने वाली, एक मास मूवी है, हाई ऑक्टेन ड्रामा इसमें है, उसमें तो कोई कमी नहीं थी बिकॉज इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्शन सीक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी। मूवी काफ़ी लेंदी है, ऑलमोस्ट 3 घंटे की मूवी है, जैसे कि इंटरमिशन आता है बीच में और मूवी स्टार्ट होने में वैसे PVR में टाइम लगता है, एड्स वगैरह कुल मिला के आप पकड़ लीजिए कि मूवी को ख़त्म होते होते 4 घंटे लग जाते, तो 4 घंटे लिटरली आपको बैठना पड़ता है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो आजकल की मूवीज जैसे होती है 2.5 घंटे में फिनिश हो जाती है, तो हमारा जो अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो चुका है। तो अगर आपको लेंदी मूवी देखने से दिक्कत है देन श्योर आपको प्रॉब्लम आने वाली है। मूवी बहुत ज़्यादा खींची गई है, बहुत ज़्यादा लंबी है और काफ़ी सीन्स को कट किया जा सकता था लेकिन उन्होंने ट्रिम नहीं किया है और स्टोरी में काफ़ी लूप होल्स होते हैं। मैं आपको ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगी, बस इतना बताऊंगी कि इस बार भी पाकिस्तान के रिलेटेड ही थीम है। इस बार भी जो तारा सिंह है वो अपने बेटे को लेने के लिए जाता है पाकिस्तान से। अब वो बेटा कैसे वहाँ पहुँचता है उसके बारे में आपको डिटेल्स मूवी देख के पता चले तो बेटर होगा, मैं वो नहीं बताने वाली, आपका बेकार में सरप्राइज़ क्यों ख़राब करूँ। लेकिन बेटे को वो किस तरह से वहाँ से लाता है, कैसे जंग होती है, मतलब जंग वाली वॉर सिचुएशन दिखाया नहीं है बट इन द सेंस कि दुश्मनों के साथ वो कैसे फाइट करता है और उसके बेटे का वहाँ थोड़ा लव स्टोरी भी होता है, ये सब एंगल उन्होंने दिखाने की कोशिश किया। मीशा पटेल का ज़्यादा रोल है नहीं इसमें, रोने धोने वाले सीन्स हैं एंड टिपिकल वही रोती रहती है बस, तो बस रोने वाले सीन्स में उसको बार बार थोड़ा दिखाते रहते हैं। एंड हाँ, मूवी में एक बात मुझे अच्छी लगी कि फ्लैशबैक बीच बीच में आते रहते हैं, तो अगर आपने गदर पार्ट 1 देखी भी नहीं है आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मूवी में जब मूवी शुरू होती है इंट्रोडक्शन के टाइम में आपको पार्ट 1 के ग्लिम्सेस भी देखने मिल जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी अगर एक नए व्यूअर की तरह जाएंगे वहाँ पे तब भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको मूवी के थ्रू सब समझ में आने लगेगा कि एग्जैक्टली मूवी किस बारे में है, कहाँ से शुरू हुई थी एंड ये सिचुएशन क्यों आई कि तारा सिंह से इतनी नफरत करते हैं पाकिस्तान के लोग एंड ऑल, तो ये आपको मूवी देखते टाइम समझ में आ जाएगा। एंड क्योंकि मैं बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ गई थी तो उस हिसाब से मुझे स्टोरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इस चीज़ को एग्जैजरेट नहीं करूँगी, मैं फेक नहीं करूँगी कि नहीं मुझे स्टोरी बहुत दिल को छू गई ये वो, नहीं, स्टोरी मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग अंडरवेलमिंग ही लगी। एंड या परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो सनी देओल एज यूजुअल अपने फुल ऑन अवतार में थे, मासी अवतार में, एंड वो डायलॉग चीखना चिल्लाना है
बट यस, मुझे बहुत सारे मोमेंट में ये मूवी में क्रिंज लगा, बिकॉज वो जो उनके बेटे का कैरेक्टर जिसने प्ले किया था, उत्कर्ष शर्मा शायद, हाँ, तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा वीक, बहुत वीक लगता है, बिकॉज कोई इमोशन वो कन्वे कर ही नहीं पाते. रोमांटिक सीन में सेम एक्सप्रेशन, एंड किसी भी सीन में उनका एक्सप्रेशन ज़्यादा वेरिएशन आता ही नहीं है. जब उनके पापा से मिलते इमोशनल सीन में भी वही चेहरा उन्होंने बनाया होता है. एक उनमें वो माचो पर्सनैलिटी है ही नहीं, लग ही नहीं रहा था कि सनी देओल के बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं. अगर बाप को आप इतना स्ट्रांग दिखा रहे हो तो बेटे के रोल में, उस कैरेक्टर में, तो आपको एक बेटर एक्टर को लेना चाहिए था जो उसको अच्छे से कन्विंसिंगली कर पाए. बट सॉरी टू से, बहुत ज़्यादा वीक लगा, ठंडा लगा बेटे का परफॉर्मेंस. एंड ऐसा लगता है पूरे के पूरे मूवी को सनी देओल ने अपने कंधे पे उठाया है. एंड अगर आप इस मूवी को वन मैन शो वाला भी बोलोगे, वन मैन आर्मी, देन ऑब्वियसली सनी देओल को ही सारा क्रेडिट जाता है. एंड यस, मूवी को देखने के लिए बहुत ज़्यादा लोग आए थे, काफ़ी भीड़ थी अंदर, एंड एक भी सीट खाली नहीं थी. तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली हाई हैं, एंड फर्स्ट पार्ट जिन्होंने भी देखी है उनकी भी एक्सपेक्टेशंस हाई है, एंड जिन्होंने नहीं भी देखी आई थिंक वो लोग भी आए थे, बिकॉज यंगस्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा थे. एंड गाने तो कमाल के हैं, जैसे उर्जा काले कावा, वो तो वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स है इस मूवी का. एंड और भी गाने हैं जैसे तू घर आजा परदेसी, मैं निकला गड्डी लेके, तो या दीज ऑल सॉन्ग्स एड अप टू द चार्म ऑफ द मूवी. आपको मज़े आते हैं जब गाने चलते हैं. एंड बाकी न्यू सॉन्ग भी इसमें ऐड हुए हैं. अरिजीत का भी एक गाना है, जब उसके बेटे का लव सीक्वेंस दिखाते हैं उस पाकिस्तानी गर्ल के साथ, तब भी यू नो बहुत सूदिंग सॉन्ग्स है. लेकिन यस, अगेन एक चीज़ जो मुझे सबसे ब्रिलियंट लगी मूवी के बारे में, वो थी उस गाने की पिक्चराइजेशन एंड कोरियोग्राफी. जैसे वो लड़के का जो रोमांटिक, मतलब उसके बेटे का जब रोमांटिक ट्रैक चलता है, तो पीछे के बैकग्राउंड्स बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, बहुत अमेजिंग, एकदम ब्रेथ टेकिंग लग रहे थे. तो वो वाला पार्ट आप काफ़ी इन्जॉय करोगे. तो DOP डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा वर्क किया है. एंड एक्शन सीक्वेंसेस के टाइम पे यस, थोड़ा आपको डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है, बिकॉज वो क्रिंज टाइप के डायलॉग थे, एंड लाउड चीखना चिल्लाना. आई थिंक दे वर ट्राइंग टू इमिटेट समवॉट साउथ की मूवीज़ को, बिकॉज वो फील आ रहा था एज इफ थोड़ा सा KGF से इंस्पायर, थोड़ा कांतारा से, यू नो वो चीखी तो वो चीखना चिल्लाना वो थोड़ा कम होता, और अगर डायलॉग सेंसिबल होते तो मज़ा आता. जैसे कि अगर हम KGF की बात करें तो रॉकी भाई के भी डायलॉग ओवर द टॉप है, लेकिन उसके बावजूद मूवी के प्लॉट के हिसाब से वो सूट कर रहा था, बिकॉज ही इज अ लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर. यहाँ भी सनी देओल का है लार्जर देन लाइफ, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन वाई टू गो बियॉन्ड अ सर्टेन डेसिबल. अगर आपको डायलॉग बोलना है, आप ऐसे एक उस लहजे में बोलिए ताकि वो क्रिंज ना लगे, बट वो ऐसा लगता बस हाँ चिल्लाना ये वो, और इरो चिल्ला के भी आप बोल क्या रहे हो, बस वही जीते जीते, आधे से ज़्यादा लास्ट वाले पार्ट में तो जीते जीते चलते रहता है, और जीते हुआ से पापे पापे चिल्ला रहा है. एंड मुझे बहुत हंसी आई, मुझे बहुत हंसी आई उस टाइम पे, बिकॉज एज अ व्यूअर जब आप कुछ, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा बहुत सेंसिबल बनाओ, लेकिन थोड़ा सेंसिबिलिटी आप एक्सपेक्ट करके ही जाते हो, राइट? तो ये चिल्लाना और ये क्रिंज मेरे से थोड़ा अनबेरेबल हो रहा था, स्पेशली उनके बेटे के कैरेक्टर का तो जो भी सीन आ रहा था वो मेरे से झेला नहीं जा रहा था. मैं बहुत मुश्किल से झेली हूँ उस लड़के का सीन, क्योंकि एज एन एक्टर कोई वेरिएशन नहीं है, डिसअपॉइंटिंग लगता है उसका सीन आता है. तो लड़की फिर भी उससे बेटर एक्टिंग की है जो लीड एक्ट्रेस थी उसके साथ, लेकिन लड़के ने एकदम सब सीन ठंडा कर दिया. रोमांटिक सीन में भी नो एक्सप्रेशन, एंड इसके बदले किसी और एक्टर, टैलेंटेड एक्टर को लेते तो शायद से क्या, डेफिनेटली वो सीन और ज़्यादा अच्छे लगते, बिकॉज गाने अच्छे थे, लेकिन बर्बाद कर दिए उस लड़के के एक्सप्रेशन ने. झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी, और कल ही देख के आई हूँ तो झूठ तो मेरे से बोला भी नहीं जाएगा. तो मैं जो भी बोल रही हूँ एकदम ऑनेस्ट, एंड दिस इज़ माई ओपिनियन, इस चीज़ को आप दिल से मत लगाइए, और आपका शायद कुछ और ओपिनियन हो सकता है. मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगी कि आप मत जाओ देखने के लिए, आप ज़रूर जाओ, क्योंकि मूवी मासी है, एंड इस मूवी का पूरे फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो अगर आपको मास मूवीज़ पसंद है. लेकिन मुझे खुद मास मूवीज़ पसंद है, मैं साउथ की मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखती हूँ. एंड यहाँ अगर हम बात की जाए बॉलीवुड में भी बहुत सारी मास मूवीज़ बन चुकी है, लेकिन मासी मूवीज़ में भी थोड़ा आप एक्सपेक्ट करते हो कि डायलॉग में सेंसिबिलिटी आए,
ताकि वो ऐसा बस ना लगे कि यू आर स्क्रीमिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्क्रीमिंग. वो इम्पैक्ट कहाँ है? वो इम्पैक्ट तभी आता है जब वो राइटिंग में दम हो. तो स्क्रिप्ट वीक है, ट्विस्ट्स इसमें ज़्यादा है नहीं, सीन्स काफ़ी ड्रैग किए गए हैं एंड टू द लेवल की जहाँ पे लिटरली आई एम सेइंग गाइस, मैं आधे घंटे तक इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी बिकॉज मैं बोर हो चुकी थी. ऐसा लग रहा था ये ख़त्म हो चुका है लेकिन इसको जानबूझ के ये लोग स्ट्रेच कर रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई ये, मतलब स्पेशली आजकल के दौर में आप इतनी लंबी मूवीज़ देख नहीं सकते. शायद 10 साल पहले, 20 साल पहले जब हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, वी वर डिफरेंट, हम देख लेते. लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप ये करोगे तो नो. आई मीन फिर भी मूवी अच्छा कलेक्शन ऑब्वियसली करेगी और कर भी रही है, क्योंकि गदर वन का जो फ्रेंचाइजी था वो इतना अच्छा था कि आ रहे हैं लोग मूवी देखने आ रहे हैं. और ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, बिकॉज कि इंडियन ऑडियंसेस को अच्छा लगता है एक्शन देखना, रोमांस, इमोशन, वो सब है. लेकिन इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं कि अच्छे से अगर आप ब्लेंड ना करो ना तो वो स्वाद अच्छा नहीं आता है. आप सब चीज़ें जैसे हम रेसिपी भी बनाते ना, हर मसाला अगर आप ज़्यादा ज़्यादा डाल दो ना तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है. तो मुझे वही लगा, मैं डिसअपॉइंट हुई. मुझे ट्विस्ट चाहिए थे. अगर ठीक है ओवर द टॉप आप कर रहे हो, हमने माफ़ किया, करो ओवर द टॉप, लेकिन स्टोरी में दम कहाँ है? बहुत एक बेसिक प्लॉट लाइन को बस खींच खींच के बड़ा किया गया है एंड सिर्फ आपने सनी देओल के कैरेक्टर के ऊपर सब कुछ डाल दिया है एंड वही अकेला पूरे मूवी को संभालता है. एंड एक एक्टर है जिनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगी सरप्राइजिंगली, वो था गौरव चोपड़ा का कैरेक्टर एंड ही वॉज प्लेइंग एन आर्मी ऑफिसर. वो बहुत सेंसिबल लग रहे थे. उन्होंने क्रिंज एक्टिंग नहीं की है, उनकी एक्टिंग सही लगी है इस मूवी में. तो अगर आप भी देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि उनके छोटे से सीन में भी ना वो काफ़ी इम्पैक्ट ला रहे हैं स्टोरी में. तो इस तरीके से अगर कुछ अच्छे एक्टर्स को लिया जाता साइड वाले कैरेक्टर्स के लिए भी, देन अच्छा लगता मूवी, यू नो, ख़राब नहीं लगता. और स्टोरी के ऊपर और वर्क करना चाहिए था. बस यही बोल सकती हूँ कि अगर आपको इस तरह की मूवीज़ पसंद है जो लाउड हो और उसमें फुल ऑन एक्शन हो और थोड़ा बहुत इमोशन का तड़का भी हो, देन जाइए. और सनी पाजी के फ़ैन हो तो डेफिनेटली जाइए, क्योंकि इसमें सनी पाजी अपने ओजी अवतार में है, एकदम यू नो चिल्लाना ऐ करके पूरा सब कुछ है इस मूवी में. जो भी एलिमेंट्स आपको पसंद है सनी देओल के बारे में. और अब मैं बताने वाली हूँ ONG 2 मूवी के बारे में, लेकिन वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी. तो इसके बाद एक वीडियो अपलोड करूँगी, आप जाके ONG 2 का रिव्यू भी सुन लीजिएगा. अगर आपने ONG 2 नहीं देखी है तो आप प्लीज़ एक बार रिव्यू मेरा सुन लीजिए एंड देन डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी है नहीं देखनी है. टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड यस, सब्सक्राइब टू माई चैनल स्वीटी ब्लॉग्स फॉर मोर सच वीडियोज़. अगर आपको मेरा ये स्पेशल वीडियो ऑन रिव्यू ऑफ गदर 2 अच्छा लगा हो देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके अपना ओपिनियन भी बताइए कि अगर आप मूवी देख चुके तो आपको कैसी लगी, अगर आपने नहीं देखी है मूवी तो आप देखोगे या नहीं देखोगे. तो सारा अपना जो भी ओपिनियन है फटाफट से मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए. लव यू ऑल, बाय.